सीनियर के ऊपर विश्वास करते हो, अपने 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 गुरु के ऊपर भी भरोसा करते हो, तो मेरे दोस्त गुरु का भरोसा आपको कितनी बड़ी अचीवमेंट दिला सकती है उसका नजर आज मैं आपको 2 मिनट के अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा। एक स्टोरी आपको बताता हूँ, वो स्टोरी मुझे जिंदगी में बहुत इंस्पायर की है। जब शायद मेरा शुरुआत का दौर चल रहा था, मैं उस स्टोरी को ही सुन के अपने आप को मोटिवेट करके रखता था। पहले के समय में क्या गुरुकुल की एजुकेशन होती थी, बहुत सारे शिष्य थे गुरुजी के साथ, अपनी एजुकेशन पूरा कर लिए थे, लास्ट उनका एग्जाम चल रहा था, टेस्ट हो रहा था। तो पहले कागज पेपर तो होता नहीं था, टेस्ट कोई ना कोई एक्टिविटी दे दिया जाता, उसी से हो जाता था। गुरुजी एक बार अपने जितने भी उसके शिष्य थे सबको बुलाते हैं और बांस की डाली पकड़ा देते हैं उनको, डालिया देखो ना बांस वगैरह की डालिया पकड़ा देते हैं, बांस की डाली पकड़ा देते हैं सबको एक एक, और बोले बेटा एक बहुत अच्छा काम करना। बोले क्या करना? बोले झरना से इसमें पानी भर के घर लाना है। क्या बोला? बांस की डलिया में झरना से पानी भर के घर लाना है। अगर आपके गुरु जी ऐसा बोले तो आप लोग क्या बोलोगे? बोले साला सखी आ गया है। आया ना? यस या नो? क्या बोलोगे? सखी आ गया। ऐसे बहुत लोगों ने बोला, बोले यार पागल है छोड़ हटा, कई से साइड हो गए। कुछ लोगों ने बोले यार कल गुरु बोला है तो कुछ तो बात रही होगी। थोड़ा और आगे बढ़े, झरना तक गए। अब वो जैसे उसमें डाली अंदर डाले, पानी आए ऊपर करे तो पानी नीचे, फिर अंदर डाले, उनको लगा कुछ मंत्र फूंक दिए होंगे गुरु जी, भाई मंत्र डाले होंगे तो हो सकता मंत्र की ताकत से पानी उसमें भरा रह जाए, कुछ लोगों को ये विश्वास था। लेकिन गुरु जी ने कुछ किया तो था नहीं। अब वो जैसे अंदर झुकाए ऊपर निकाले तो पानी सब नीचे, 5 बार 10 बार 20 बार सारे शिष्य कर रहे थे। तब तक कुछ लोगों का और दिमाग खराब हो गया, बोला गुरु जी को मंत्र अंतर आए तब तो मारे, होने वाला नहीं है भाई, एक काम होने वाला नहीं है, एक फालतू की गड़बड़ की बातें हो रही है, चल हटा इससे बढ़िया दुकानदारी करके ही कमा लेंगे, ऐसा भरोसा हो जाता नहीं हो जाता हमारा। तो ऐसे शिष्य भी थे, 4 बार 5 बार 10 बार अंदर बार वो नीचे करते ऊपर निकालते पानी नीचे गिर गया। बोले यार फालतू के काम करवा रहे, सुबह से भिड़े हुए हैं 2 घंटे से ऊपर नीचे हो रहा है, कहां पानी टिक रहा है, ये फालतू की बातें सब छोड़ के चले गए। सोचे दिन भर मस्ती करेंगे, शाम को जाके थोड़ा सा रो देंगे, होता नहीं होता है। काम किया रिजल्ट नहीं आया तो लास्ट में अपने सामने मुंह खाने आ जाते हैं, सर रिजल्ट भी ना आ रहा है क्या करें। तो लोग ने सोचा कि यार ऐसा करते हैं दिन भर काम करेंगे जाके आराम कर लेते हैं, शाम को जाके रो देंगे गुरु जी को तो पता ही होगा भाई क्यों दिया है। लेकिन एक शिष्य उसमें मेरे साथ पागल था और उसने सोच लिया था कि यार गुरु ने बोला तो कुछ तो कमाल होगा, कुछ तो होगा, एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार में नहीं हो रहा है, 3 बार में हो नहीं हो रहा है, 4 बार में नहीं हो रहा है, 5 बार में नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 बार में नहीं हो रहा है, सुबह से लेके शाम तक वो डलिया अंदर डालता रहा उठाता रहा, डालता रहा उठाता रहा, डालता रहा उठाता रहा। सारे लोग छोड़ के भाग गए, सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया, सारे लोग बोलने लगे थे गुरु पागल है, कुछ नहीं होगा, झूठा वादा किया, बाल्टी से आ ही नहीं सकता डाली से पानी। लेकिन एक इंसान था, एक शिष्य ऐसा था जिसको भरोसा था, वो डालता रहा उठाता रहा, डालता रहा उठाता रहा, डालता रहा उठाता रहा, शाम हो गया लेकिन डालता रहा उठाता रहा, डालता रहा उठाता रहा। आपको पता है लकड़ी की एक क्वालिटी होती है, अगर उसको पानी में ज्यादा देर भिगा के रखो तो क्या होता है, क्या होता है, फूल जाता है। तो ऐसे डालता था उठाता था, डालता था उठाता था, तो करते करते जो बांस की जो लकड़ी थी वो फूलनी शुरू हो गई, फूलते ही जितने भी गैप थे वो सारे गैप भर गए। और रात 1-2 बजे के लगभग में जब उसने वो डाली अंदर डाल के जब पानी उठाया, वो पानी भर गया और खुशी से झूमते हुए उस पानी को लेके गुरु के पास आ जाता है। और अगली सुबह वो सारे शिष्य लाइन में थे और हंस रहे थे कि यार देखना आज गुरु जी का मुंह देखना कैसा बनेगा, ये बड़े झूठे वादा किए थे कि डाली से पानी आ जाएगा, पर वो मुस्कुरा रहे थे, खड़े थे। और जैसे गुरु ने आया, सबसे पूछा डाली कहाँ, तो देखा कि डाली तो सबकी खाली थी। बोला सब साले फेल, और एक शिष्य ऐसा था जिसने भरोसा किया था, विश्वास किया था, वो हो गया पास। और उसे फेल, मुझे ये स्टोरी बड़ी कभी लगी थी,
और जब मेरा भाई मेरे से बोलता था कि बेटा ये कर होगा वो कर होगा, करता जा करता जा करता जा करता जा करता जा, दोस्तों मैंने काम सब कुछ किया है, वो सारे काम किए लेकिन कभी भी परेशान नहीं हुआ, मैंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं तोड़ा क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ था और हमेशा एक ही बात बोलता था, बेटा करता जा करता जा करता जा। 3 महीने की मेरी इनकम थी 500 रुपए की और मेरे क्लाइंट ने मुझे फोन करके बोला कि बेटा तेरी आज जो लॉक लगी थी ना वो तेरी लॉक आज खुल गई और आज के बाद तुझे मैं बता रहा हूं कि आज के बाद तू कभी भी बिना चेक का नहीं होगा। और दोस्तों ऐसा कमाल हुआ, वैसा कमाल हुआ। पहली चेक 500 रुपए उठाने के बाद मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि पिछले 3 साल के अंदर मैंने पिछले महीने से हर महीने ज्यादा पैसा कमाया कंपनी को है आज तक का रिकॉर्डिंग।